टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में पिछले 40 सालों से अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले वर्सटाइल एक्टर अंजन श्रीवास्तव आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। अंजन, जिन्होंने बॉलीवुड के दो बड़े खान सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम किया हुआ है। अंजन ने शाहरुख खान के साथ टीवी सीरियल वागले की दुनिया, फिल्म चक दे इंडिया और कभी हाँ कभी ना में काम किया है। इसके अलावा अंजन ने सलमान खान के साथ दो बड़ी फिल्मों तुमको न भूल पाएंगे और युवराज में काम किया है। अंजन, जिन्होंने इन दो बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, उन्होंने बताया कि ये दोनों अभिनेता रियल में कैसे हैं। अंजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। अंजन ने दोनों अभिनेताओं पर बातचीत करते हुए कहा कि ये दोनों एक अच्छे लड़के हैं, दोनों का ही व्यवहार काफी अच्छा है। अंजन ने शाहरुख खान के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वह शाहरुख को काफी पहले से जानते हैं, जब वो स्टार नहीं थे। उन्होंने शाहरुख के साथ वागले की दुनिया में पहली बार साथ में काम किया था। उन्होंने शाहरुख खान के साथ वागले की दुनिया में एक एपिसोड शूट किया था। वागले की दुनिया में शूटिंग के दौरान शाहरुख ने अंजन के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। शाहरुख जब स्टार बन गए तब भी वे अंजन को नहीं भूले। इस बारे में बताते हुए अंजन ने कहा कि एक दिन वे सड़क पर चल रहे थे, तभी अचानक एक कार उनके सामने आई और आंखों पर फ्लैश लाइट मारने लगी। इस कार में शाहरुख खान बैठे हुए थे। शाहरुख तुरंत कार से निकले और अंजन से मिलने पहुंचे। उन्होंने अंजन के हाल चाल लिए और पूछा कि इतने दिनों से उन्होंने शाहरुख खान से बात क्यों नहीं की है। तब अंजन ने जवाब दिया कि तुमसे मैं संपर्क में कैसे रह सकता हूँ। इसके बाद तुरंत शाहरुख ने अपना पेजर नंबर अंजन को दिया और उनसे कॉन्टैक्ट में रहने को कहा। इसके अलावा अंजन ने सलमान खान के साथ फिल्म युवराज की शूटिंग के अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने सीनियर एक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं उनके साथ युवराज की शूटिंग कर रहा था तो वे हमेशा मेरा हाल चाल लेने आ जाते थे और मुझे काफी सम्मान देते थे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।